बी क्लियर, आपका जो अहिंसा है वो हिंसा के ऊपर टिका हुआ है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ जैन लोग अगर सिर्फ जैनिज्म से चलाएंगे तो नहीं होने वाला है, अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। फिशरमैन को एबॉलिश कर दो भाई, क्यों भाई? अरे नहीं नहीं वो, हाँ मैं जैन लीडर हूं तो फिशिंग नहीं चलेगा, फिशिंग नहीं करने का। अच्छा फार्मिंग, फार्मिंग में भाई गायों को काटना नहीं है। अच्छा काटना नहीं है तो क्या दफनाएंगे? चलो दफनाएंगे तो आप एक काम करो, मुझे कॉम्पेंसेशन दो भाई। जब जब मेरा जो एक गाय है वो दूध देना बंद कर देता है, उसका दूध देने का जो पीक पीरियड है वो खत्म हो जाता है, और अब ये गाय दूध देने के लायक नहीं रही, तो उसको जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। मैं बेचूंगा तो वो जो खरीदता है वो कसाई खाने में ही लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? मुझसे खरीदेगा तो वो 25,000 रुपए में खरीद देगा, फिर कहां लेके जाने वाला है? और आप कहते हो नहीं नहीं कृष, किसी को मत बेचो, वो गाय अपने पास ही रहने दो। ठीक है, मैं गाय अपने पास ही रखूंगा और मैं जब तक वो बूढ़ी होके उसके दांत गिर के वो मर न जाए तब तक मैं रखता हूं, चलो दो मुझे 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए या रोज के मुझे 1,000 रुपए दो, 2,000 रुपए दे दो उसका, क्योंकि वेटरनरी कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। जैसे जैसे ये गाय बूढ़ी होती है उसके वेटरनरी कॉस्ट बढ़ेंगे, उसके लिए मुझे हो सकता है इस गाय को कैंसर हो जाएगा तो कैंसर का इलाज करना पड़ेगा, अगर गाय को अस्थमा होगा तो अस्थमा का इलाज करना पड़ेगा। अब अस्थमा का इलाज करने के लिए मैं जानवरों के डॉक्टर को बुलाऊंगा तो हो सकता है वो कहेगा हाँ सर थैंक यू, ये लो ये दवाई लिख के देता हूं, और मैं दवाई लेने जाऊंगा तो पता चलेगा कि महीने के 10,000 रुपए के दवाई है, भाई मुझे मैं ये सब भरपाई करो। मैं गाय को नहीं मारूंगा, मैं गाय को अपने घर में मां कह के रखूंगा, गाय को पालूंगा, उसकी पूजा भी करूंगा, चलो 10,000 रुपए दो महीने के, मैं पूजा भी करूंगा, उसका गौमूत्र आपको पिलाऊंगा, मैं गोबर आपके घर में एक पैकेट में डाल के प्लास्टिक बैग में लाके ऐसे झबला बैग में आपको गोबर देके जाऊंगा, गौमूत्र भी मैं पैकेज करके बॉटल में देके जाऊंगा, फ्रेश गौमूत्र स्ट्रेट आउट ऑफ माय काउ टुडेस फ्रेश, या रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी दे दो, गोबर और गौमूत्र को मैं फ्रिज में रख के उसको फ्रेश रखूंगा और आपको फ्रोजन फॉर्म में या चिल फॉर्म में आपको दे दूंगा दोपहर के 2 बजे पीने के लिए, चाय के बदले आप पियो गोबर और गौमूत्र, गोबर बिस्किट्स बना के खा लो, बेक करोगे अच्छे से बिस्किट हो जाएंगे सर, खा लो मजा आएगा करकरा। ठीक है, अगर आप कह रहे हो नो ये गाय को आप जिंदा ही रखोगे तो आप मुझे उस गाय के लिए पेंशन दोगे, ओल्ड एज पेंशन फॉर द काउ, जो इंसान के पेंशन से कई ज्यादा है, उसको जिंदा रखूंगा मैं, उसका कैंसर ट्रीटमेंट उसको जो भी करना है वो सब करूंगा, या फिर आपके आयुर्वेदिक अस्पताल से, आयुर्वेदिक अस्पताल हो या आपका एलोपैथिक, आपको जो करना है करो, आपके अस्पताल में मेरे गाय को फ्री ट्रीटमेंट, जैसे ही मेरी गाय बीमार पड़ती है मैं फोन करूंगा बोलूंगा मेरे गाय को उठाओ लेके जाओ एम्बुलेंस में ट्रीट करके लेके आओ। ये होता है गौ सेवा।